यूट्यूब पॉलिसी के आज हम सेकंड ऑप्शन को बताने वाले हैं, पर्सुएशन पॉलिसी। स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम पॉलिसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसको आपको अगर देखना है तो मेरे पहले इसके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट एंड नो अबाउट द इम्पर्सोनेशन पॉलिसी। इम्पर्सोनेशन मतलब आप कोई चीज़ को छुपा रहे हैं। सो डोंट डिसगाइज, आप अपने को छुपा करके किसी और का फोटो यूज़ करके कुछ करना चाहते हैं तो वो इम्पर्सोनेशन कहलाता है। तो डोंट डिसगाइज एंड डू वर्क प्रॉपरली। वॉट दिस पॉलिसी मीन फॉर यू इफ यू आर पोस्टिंग कॉन्टेंट, और इस पॉलिसी का क्या मतलब है अगर आप इस पॉलिसी के अंदर कॉन्टेंट को पोस्ट करते हैं और अपने को छुपा कर काम करते हैं तो उससे बचिए। कॉन्टेंट इंटेंडेड टू इम्पर्सोनेट अ पर्सन और चैनल इज नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, क्योंकि अपने को डिसगाइज करके आप चैनल पे काम नहीं कर सकते। यूट्यूब ऑल्सो इन्फोर्स ट्रेडमार्क होल्ड राइट्स व्हेन अ चैनल और कॉन्टेंट इन द चैनल कॉजेस कंफ्यूजन अबाउट द सोर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एडवर्टाइज इट्स वी नॉट बी अलाउड। अगर आप ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो उसको ये हो जाएगा कि इसमें कंफ्यूजन है और रियल है कि नहीं है, तो वो आपको सर्विसेज नहीं देगा, आप एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे और ये यूट्यूब में अलाउड नहीं है। इफ़ यू आर पोस्टिंग कंटेंट, डोंट पोस्ट कंटेंट ऑन द यूट्यूब इफ इट इज फिट एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नोटेड बिलो। अगर इन दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको मत करिए। चैनल इम्पर्सोनेशन, चैनल दैट कॉपीज अनदर चैनल प्रोफाइल बैकग्राउंड और ओवरऑल लुक एंड फील इन सच अ वे दैट मेक इट्स लुक लाइक समवन एल्स चैनल। द चैनल डज नॉट हैव टू बी 100% आइडेंटिकल एज लॉन्ग एज द इंटेंट इज क्लियर टू द कॉपी द अदर चैनल। अगर किसी और चैनल का बैकग्राउंड उसका देखने पूरा ओवरलुक जैसा वो है वैसे ही बिल्कुल बना दे और दूसरों की तरह देखने में, दूसरे के चैनल की तरह देखने में लगे 100%, तो वो अलाउड नहीं है। पर्सनल इम्पर्सोनेशन, कंटेंट इंटेंडेड टू लुक लाइक समवन एल्स इज पोस्टिंग इट, और आप ये दिखाइए, आप खुद पोस्ट करिए लेकिन ये दिखाइए कि दूसरे ने उसको पोस्ट किया जिससे आप पर चैनल पे व्यू आए, आपके चैनल पर CTR बढ़े, आपके चैनल पे ग्रोथ हो दूसरे आदमी के नाम से, तो वो नहीं अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, चैनल विद द सेम नेम एंड इमेज आर अनदर चैनल विद ओनली डिफरेंस बीइंग अ स्पेस इंसर्टेड इनटू द नेम और जीरो रिप्लेसिंग द लेटर ओ। अब आपका चैनल का नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूसरे का चैनल का नाम है, बस डिफरेंस ये है कि आप स्पेस इंसर्ट कर देते हैं उसमें या जीरो की जगह पे ओ लिख देते हैं। यूजिंग समवन एल्स रियल नेम, किसी दूसरे का असली नाम यूज करके आप यूज़र नेम, इमेज, ब्रांड, लोगो, ये सब यूज़ करके आप ट्रिक करते हैं पीपल के साथ और दूसरा आदमी दूसरे का चैनल समझकर आपके चैनल पर आता है और फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं आपका ईमेल और फ़ोन नंबर ले लेंगे और आपका चैनल हैक कर लेंगे, तो इस तरह के लोगों से बचिए। बहुत क्लियर रहिए कि हाँ ये आदमी वही है जिसको हम देख रहे हैं, तभी उसको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, और मेरे ख्याल से तो किसी को इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैचिंग अ चैनल डिस्क्रिप्शन टू अनदर चैनल, आपका चैनल डिस्क्रिप्शन दूसरे के चैनल डिस्क्रिप्शन की तरह एकदम जैसा उसका डिस्क्रिप्शन है तो लोगों को लगेगा ये उसी का चैनल है जैसे जिसके इसके नाम से आपने चैनल को खोला है। और ऐसा बहुत होता है जब चैनल हैक होता है तो लोग दूसरे के चैनल के नाम से अपना चैनल खोल लेते हैं जिससे कि लोग हैक होता है, या इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और ईमेल किसी को दे देते हैं तो वो चैनल हैक हो जाता है।
using the name and image of the person and pretending that person is posting content. और उस आदमी के नाम से चैनल खोल कर उसका नाम और इमेज यूज करके वो प्रिटेंड करते हैं कि जो पोस्ट है वो उसी आदमी का है, जबकि वो उस आदमी का नहीं रहता है. यूजिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द पर्सन एंड पोस्टिंग कमेंट ऑन अदर चैनल, और दूसरे चैनल पे जा करके उस आदमी का नाम और फोटो यूज करके कमेंट करते हैं जिससे कि आदमी समझे कि उसने कमेंट किया. चैनल क्लेमिंग टू बी अ फैन अकाउंट बट एक्चुअली पोजिंग एज एन अदर चैनल एंड री अपलोडिंग देयर कॉन्टेंट, और फैन चैनल खोल करके वो पोस्ट करते हैं कि ये उसी आदमी का चैनल है, लेकिन वास्तव में वो कोई दूसरे का चैनल रहता है और अपने कंटेंट को अपलोड करके व्यू और ग्रोथ करते हैं अपने चैनल के. चैनल इम्पर्सोनेट एन एग्जिस्टिंग न्यूज चैनल, अब न्यूज चैनल के तरह से चैनल खोल करके और ये दिखाते हैं कि ये न्यूज चैनल असली है, तो उससे उनको व्यूज मिलता है. तो ये तरह तरह से व्यूज लेने और अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए लोग इम्पर्सोनेट करते हैं, डिस्गाइज करते हैं अपने को, और जो जो लोग ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके नाम पर चैनल, उनके नाम पर अपना चैनल बनाकर अपना नेम और इमेज को उन्हीं के इमेज को लगा करके ये दिखाते हैं कि ये उस फेमस आदमी की चैनल है, वास्तव में वो फेमस आदमी का नहीं रहता है, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और चैनल को हैक कर लेते हैं और आपसे फेवर भी ले लेते हैं. आप उनका फेमस आदमी समझ करके उनके चैनल को व्यू करते हैं, उनके पे कमेंट करते हैं, उनके पे और उनकी बातों को सुनते हैं. हो सकता है वो आपको दूसरे ऐसी जगह भेजें जहां आपका चैनल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो जाए. तो और ब्रांड नेम भी उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं, लोगो भी उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, नेम भी उन्हीं का यूज़ करते हैं. तो ये YouTube पे अलाउड नहीं है. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मत करिए. What happen if content violate this policy? अगर ये पॉलिसी वायोलेट होती है तो क्या होगा? सेम हो जैसे हमने बताया था प्रीवियस उसमें कि इफ योर कंटेंट वायलेट दिस पॉलिसी यूट्यूब रिमूव द कंटेंट एंड सेंड यू एन ईमेल टू लेट यू नो. तो आपका कंटेंट हटा दिया जाएगा और ईमेल आएगी आपके पास यूट्यूब की तरफ से कि आप इस तरह का काम मत करिए. फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग देगा, अदरवाइज फिर आपको और पेनाल्टी नहीं लेगा, लेकिन अगले टाइम वो आपसे इफ इट्स नॉट वी मे इशू अ स्ट्राइक अगेंस्ट योर चैनल. If you get 3 strikes within 90 days, your channel will be terminated. और अगर 30 दिन 90 दिन के अंदर 3 बार स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा. तो बी केयरफुल और इस तरह के डिस्गाइज करने वाले लोगों से बचिए और मत ओपन करिए ऐसे लोगों का और ना ही अपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी को दीजिए. सो थैंक यू व्यूअर, इफ यू लाइक इट Please share and subscribe my channel Ratan Agarwal of the Informer. और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल को दबा दीजिए जिससे आपको आगे की पॉलिसी का वीडियो मिल जाए और आप उसको जान पाइए. हम वन एक एक करके ऑल 6 पॉलिसीज को आपके सामने शो करेंगे इस वीडियो के हेल्प से. थैंक यू.